What's up guys? Welcome back to इंद्रेश वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले मिस्टर बीस्ट की वीडियो पे। वीडियोस अमेजिंग होती है और भाई साहब इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट लेवल इट्स सो हाई इन हिज वीडियोस, अमेजिंग। तो मिस्टर बीस्ट हिंदी चैनल है जहां पर इनकी वीडियोस हिंदी में डब होकर आती हैं। तो साथ में एंजॉय करेंगे। पहली बार हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप स्नेक्स के बीच बैठेंगे $10,000 के लिए? मतलब कितने हो गए, 7,98,718 रुपीस के लिए क्या आप सांप के पीछे बैठेंगे? तो इनके वीडियोस की यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मस्ती से भरपूर होते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर आप सर्च करेंगे तो हम और मिस्टर बीस्ट की वीडियोस पर रिएक्ट करेंगे। तो कमेंट करके आप टाइटल्स बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। लाइक अगर आप करते हैं तो वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, रीच मिलती है चैनल को। करें शुरू, 1, 2, 3 एंड लेट्स गो। आज डब सांपों से भरा हुआ है, कैसे हो दोस्तों? अगर तुम में से कोई भी इस डब में बैठेगा, मैं तुम्हारी मॉम को दूंगा $10,000। सॉरी मॉम, ये मेरी बात उन्होंने सुने बिना ही चला गया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो भी सांपों से भरे इस डब में बैठेगा, मैं उसकी मॉम को दूंगा 10,000। क्या तुम ये करना चाहते हो? यार तुम्हारी मॉम बहुत खुश होगी। और ये है ब्रायन, हमारे प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर। आगे बढ़िए और रख दीजिए पहला सांप। रख देता हूँ, ये काफी प्रोफेशनल है ना। ये सांप मुझे थोड़ा बहुत डरा रहा है, ऐसा होना नॉर्मल तो है ना। तुम तैयार हो अगले और 20 सांप? हाँ 20 और। ये सांप देखो कैसे कोशिश कर रहा है 10,000 चुराने की। देखो इसे, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मॉम जीत गई है 10,000। क्या बात है, इस बॉक्स में है $15,000 और साथ ही कुछ बड़े बड़े कॉकरोचेस भी। गॉड, तुम जितने पैसे उठाओगे वो तुम्हारे हो जाएंगे। बिल्कुल ही नहीं यार। जेफ, क्या तुम जरा इधर आ सकते हो? ये है जेफ, हमारा साउंड मैन। जेफ, क्या मैं तुम्हारा माइक ले लूं? मुझे लगता है तुम्हें पता है कि क्या करना है। तो जब तुम जितने भी पैसे निकालोगे इस बॉक्स में से अगले 60 सेकंड में, वो तुम्हारे होंगे। ओके, ठीक है, ये है $500। मैं टाइमर शुरू करना भूल गया था, तो मैं गिनती करूंगा अपने मन में। बचे 50 सेकंड। इनका हाथ मेरे हाथ को लगा, वो स्वेटी था। वैसे बचे हैं सिर्फ 35 सेकंड। मैं काउंट डाउन शुरू करने वाला हूँ। मुझे लगा इसमें रुकना है, ऐसे तो निकालना है। 5, 3, 2, 2 मैं आपको दूंगा एक्स्ट्रा सेकंड्स अगर आपने कॉकरोच को छुआ तो। आपने जीते हैं $9,340। कांग्रेचुलेशंस। ये है 1 pound का डंबल, चलो इसे उठाओ। और क्रिस, हर बार जब तुम इसे ऐसे उठाओगे मैं तुम्हें दूंगा $1। सच में? नहीं, लेकिन हर बार जब नोआ इधर आओ कल करेगा तो उसे मिलेगा $1। $1 मैं उड़ाता रहूंगा। डॉलर। क्या थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हो? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितना चाहो उतना कर सकते हो और बना सकते हो मन चाहे पैसे। बस शर्त है ऐसे ही लगातार करते रहो। मैं दो दिन तक रहूंगा, मुझे परवाह नहीं है। ओ सच में? चलो देखते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, बस पूरा टाइम यही करते रहूंगा। अगर तुम इस टैरेंटुला को अपने ऊपर रेंगने दो 30 सेकंड के लिए, तो मैं तुम्हारी मॉम को दूंगा $10,000। तुम्हारी मॉम भी यहाँ है करने के लिए। हाँ तारिक, तुम कर सकते हो। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे? हाँ कहूंगा ना, इस मकड़ी को मुझ पर से हटाओ। तारिक, अगर इसे तुम्हें काटा तो हम तुम्हारे पैसे डबल कर देंगे। नहीं। हाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं काटेगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट। बिल्कुल शांत रहना, ये कुछ नहीं कर सकता। ये काटने वाला है। तारिक, तुम्हारे 5 सेकंड बीत गए। ओके, मुझे लग रहा है बस 5 और सेकंड और ये पूरे होने वाले हैं 30 सेकंड। बस हो गया, सच में तुम करने वाले हो, बस होने वाला है। बस कुछ देर और। ऑल राइट, ये तारिक, अरे वाह, कर दिखा। तो भाई कर दस आईफोन ले लो आज। 20 तारीख को ये गेम खेलने देने के लिए। एक काम करो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। थैंक यू। ठीक है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? क्यों? हेलो, कल मेरे साथ यहाँ एक रैंडम कंटेस्टेंट है और अगर तुम गेस कर पाए कोड रूम में रखे उस सेफ का, उसे मिलेगा जो भी सेफ में है। ओके, तो चलो शुरू हो जाओ, जमीन पर से उठ जाओ। इतने आलसी हो तुम, जान ले तुम ये कर सकते हो ना। हाँ मुझे मिल गया। अरे ये ओ, और कॉल मैं बताना भूल गया कि हर 10 सेकंड में हम भेजेंगे एक चूहा रूम के अंदर। रुको यार तुम, चल ना, ये एक और आया। हो गए हैं 5 सेकंड और मुझे जल्दी करना है। चीज रखा है सेफ के पास। हाँ वहाँ पर चीज है सेफ के पास। वही आएगा चूहा तो। माय गॉड, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, क्या तुम्हें वो बड़ा सा चूहा दिखाई दे रहा है? तो हमने कोड उसके नीचे दिया है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तुम सही हो, हमने झूठ बोला। लेकिन उस कोड का तुम्हारे बर्थडे से लेना देना है। अरे ये क्या था? चूहों ने मुझे घेरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या होगा? कॉल मुझे मदद कर। तुमने कहा मेरा बर्थडे है। हाँ, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? कॉल चलो, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी करो, चलो। गलत था। अब जरा तुम डालो दूसरा दिन अपने बर्थडे के बाद, शायद वो काम कर जाए। ओ, मेरा मतलब तुम्हारे बर्थडे से पहले वाला दिन। ओ माय गॉड, हो गया। मैरी, देखा अंदर क्या है? क्या ये मेरा मेरा है? आज सुबह मैं चैंडलर के घर में घुसा और चुरा लिया उसका टेडी बियर। मेरा है, वो फ्लैश है। चैंडलर के स्टफ टॉय के अलावा वहाँ है $20,000 उस सेफ में। और कांग्रेचुलेशंस, तुमने वो भी जीत लिया।
लगभग 16 लाख। थैंक यू सो मच काल। बेशक हम लौट आए स्नैक सेट पर, लेकिन शाम से भरे टब की बजाय हमारा टब भरा है पिकल्स से। अरे यार ये कितना बदबूदार है। अचार है इसमें। रुक जाओ। यहाँ पर क्यों है? अगर तुम्हें याद हो इस वीडियो में चैनल ने नहीं खाया था पिकल $5,000 के लिए भी। उसे घिन आती है पिकल से। चैनल यहाँ जरा, ये पिकल तुम पर कूदेंगे नहीं। तुम्हें किस चीज से ज्यादा डर लगता है, पिकल से या सांपों से? पिकल्स। इतनी वाहियत बात मैंने आज तक नहीं कही। अगर तुम इस सब में बैठे तो मैं तुम्हारी बहन को ऑफर करूंगा 10,000, लेकिन अगर तुमने ये अभी किया तो मैं तुम्हारी बहन को दूंगा $20,000, लेकिन तुम्हें इस सब में बैठना पड़ेगा। ठीक है, बस ये सोचो कि बर्गर्स बिना पिकल और बिना ओनियन के हैं। या सिर्फ सोचो $20,000। तुम शायद 20,000 खो दो फिर भी इतनी शांत कैसे हो? मुझे इसकी आदत हो गई है। ठीक है, अच्छी चीजों के बारे में सोचो। कैसी तुम्हारा भाई भाग गया? पता था अगर मैं 20,000 नहीं देता तो जीरो चांस था कि वो ये करता। मुझे भी इसकी घिन आती है। फाइनली उसने कर दिया और तुम्हारे लिए जीत लिए हैं $20,000। आई लव यू। मुझे पैसे देने होंगे, मेरे पास एक आइडिया है, अभी आता हूँ। ओके ठीक है, उसे बाद में देख लेंगे। तुम्हें याद है जब कार्ल ने तुम्हें हराया था कोकोनट बोलिंग में और तुमसे छीन लिया था एक आइलैंड? उस आइलैंड की कीमत थी $800,000। कार्ल क्या तुम खोल सकते हो? इस माइक्रोवेव में है $8,000, 1% उस आइलैंड का। और अगर तुम हरा सकते हो कार्ल को पुशअप बैटल में, मैं तुम्हें उस आइलैंड का 1% दूंगा। लेकिन ये माइक्रोवेव में क्यों है? तुम क्यों नहीं हो माइक्रोवेव में? तो दोस्तों पोजीशन लो, ऑन माय काउंट 1 शुरू हो जाओ। नोलन इससे पहले कि तुम सातवा करो, भूलना मत इसने तुमसे आइलैंड छीना। जीत ही नहीं सकते, मैं बदला लूंगा बॉलिंग का। और हाँ कॉल, अगर तुम जीते मैं तुम्हें दूंगा 8। ओके इसके लिए तो ठीक है, हम हैं डबल डिजिट में। नहीं है, नो घोड़ा, नो घोड़ा। नहीं घोड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ खड़ा हो रहा हूँ। 16 17। मैंने पहले ही कहा था तुम हार जाओगे। मुझे जाने दो काल के ऊपर से। सॉरी तुमने पैसे नहीं जीते, ये लो इसे ले जाओ अपने। बढ़िया, माइक्रोवेव के साथ एंजॉय करो। ये है हमारा अगला कंटेस्टेंट रैंडी। बेसिकली आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने 1,000 लोगों को इस ऑडिटोरियम में बुलाया है, वो अभी अंदर ही बैठे हुए हैं, तो अभी 1,000 लोग हैं वहाँ। ठीक है रैंडी, अगर तुम ये स्क्रिप्ट उन सबके सामने पढ़ोगे तो मैं तुम्हें दूंगा $10,000। ठीक है मैं कर लूंगा। लोगों के सामने स्क्रिप्ट पढ़ोगे? यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सच में आपके सिर्फ 3 मिनट ही लेना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि YouTube सबसे अच्छी चीज क्यों है। इसमें ड्रीम, एक क्यूटी पाय, जैक, सेप्टिस, सेप्टाइस और भी है, मैं बोलते रहूंगा। उसे ब्यूटी पाय कहते हैं। बताऊंगा। यकीन नहीं हो रहा है ये सच में ऐसा कर रहा है। ये स्क्रिप्ट जो आपने लिखी है ये स्टूपिड है। और क्या मुझे मिलेगा? एक एक और बार आने के लिए शुक्रिया और खाना मत भूलना बीस्ट बर्गर। यू वेलकम। ठीक है तो कैसा लगा ये? मजा आया, लेकिन 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 उतना भी मजा नहीं आया जितना मैं सोच रहा था कि लेकिन और इससे पहले कि मैं तुम्हें दूं ये $10,000, जरा इधर आओ, मैं चाहता हूँ तुम मिलो अपनी ऑडियंस से। तो तुम जिनसे बात कर रहे थे वो थे 1,000 पुतले और क्रिस और कार्ल। हाय। और ये रहा तुम्हारा 10,000 कैश। मैं नहीं जानता कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा। मैं अपनी मॉम को दे दूंगा या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दूंगा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मैं पता नहीं मैं इतना हिल क्यों रहा। अब देखते हैं कि क्रिस गया कहाँ इतने सारे पैसे लेकर जिम से। ठीक है हम जा रहे हैं बेस्ट बाय में। मैं नोवा के लिए खरीदूंगा चिरागन जिसकी कीमत है $400, जो काफी है, पर मुझे लगता है वो उसकी और पैसे बनाने में मदद करेगा जब उसका हाथ थक जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? अरे एक मिनट, ये तो $600 का है। मुझे नहीं लगता हमें $600 वाला चाहिए। मैं आ गया। अब देखो ये आदमी इंस्टेंटली $1,000 कैसे बनाता है। देखो इससे मैं और पैसे कमाने वाला हूँ। अब यार रिलैक्स करने की मशीन। तुम्हें पता है ना तुम कैमरामैन हो, पर अब तुम मसाज मैन हो। मसल करेंगे मसाज तुम्हारे हाथों को ताकि तुम कर सको और गर्ल्स और जीतो पैसे। अजीब है। एक पेंटिंग की कीमत है $10,000। देखते हैं आप गेस कर सकते हैं या नहीं। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। अगर आपने ये गेस की है तो आप गलत है। ये वाली नहीं है, ये पेंटिंग बनाई है कार्ल ने। यो ये तो जबरदस्त है। इसे बनाया है क्रिस ने।
इसको बनाया है चैंडलर ने, और ये 10,000 वाली पेंटिंग हमने खरीदी है प्रोफेशनल पेंटर से। एक्चुअली यहाँ है 4 पेंटिंग्स। ये सुनने में अजीब है, लेकिन इसमें से एक पेंटिंग की कीमत है $10,000 और बाकी की कीमत है शून्य। अगर तुमने गेस किया कि कौन सी है 10,000 वाली पेंटिंग, वो तुम्हारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ो, एनालाइज करो। मैं जानता हूँ ये बहुत आसान है, ये वो है जिसमें सबसे ज्यादा सच्चाई है मेरे हिसाब से। ये वाली हाँ। तुम्हें यकीन है? और तो नहीं सोचना चाहती? मैं अपने दिल की सुनती हूँ, मेरे हिसाब से यही है। तो तुम्हें लगता है कि ये है वो $10,000 वाली पेंटिंग? हाँ, हाँ, मुझे लगता है। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्रिस ने बनाई है। मैं वही कमाल का है ना? तुमने अच्छा काम किया है। थैंक यू, मैं तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना चाहिए। टेक्निकली एशली तुमने हारे हैं $10,000। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक और चांस, लास्ट चांस। अगर तुमने सही बताया वो तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है वो वाली पेंटिंग है। क्या ये वाली? ये वाली नहीं। अब 50-50 है। ठीक है, हम तुम्हें एक और चांस देते हैं। क्या लगता है कौन सी वाली इस आदमी ने नहीं बनाई? चलो इस वाली के साथ जाते हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये है 10,000 वाली पेंटिंग? मुझे लगता है यही है 10,000 वाली पेंटिंग। इसे बनाया गया है चैंडलर के द्वारा। 10,000 वाली पेंटिंग ये है। सच कहूं तो तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा, इतनी गंदी पेंटिंग का तुम क्या करती? अच्छा हुआ ना मैंने सही नहीं चुना। मुझे बुरा लगता है जब लोग हार जाते हैं। क्या तुम फिस्ट बम्प दो? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये है फॉल। क्या चल रहा है? मेरे पास ये रस्सी है और मैं चाहता हूँ तुम खेलो टग ऑफ वॉर। फॉल उन 3 जेंटलमैन में से तुम किसके साथ खेलना चाहोगे टग ऑफ वॉर $10,000 के? बताइए। मुझे लगता है कार्ल इसे क्रिस बुलाते हैं। ओके, तो 10,000 के लिए तुम खेलना चाहोगे कार्ल के? 10,000 के लिए एब्सोल्युटली। ठीक है, 3, 2, 1, तुम्हें मिलते हैं $10,000। लेकिन इससे पहले कि तुम सेलिब्रेट करो, क्या तुम दाव पर लगाना चाहोगे $10,000 और बनाओगे डबल या कुछ नहीं? क्योंकि अगर तुम हारे तो सब कुछ खो दोगे। डबल या कुछ नहीं? डबल या कुछ नहीं। ठीक है, तो चुनो, दूसरा किसे चुनना चाहोगे? चैंडलर को चुनता हूँ क्योंकि उसने सॉक्स पहने हैं। 3, 2, 1, गो। अरे कर दिया, डबल बना लिया। अब तुम्हारे पास है $20,000 का कैश, और तुम जानते हो मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ। तीनों के साथ सच कहूँ तो लग रहा है मेरी छाती फटने वाली है। अब नहीं होगा। तो 20,000 पर ही बस करोगे? हाँ, मैं 20,000 ले रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम मुझसे डरते हो? इसे लगता है इसे डर लगता है क्रिस से। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर बीस्ट, मुझे मजा आया, आपको भी आएगा। दोस्त हम लौट आए, तुम्हारी कर्लिंग हो गई है स्लो। सच कहूँ तो मुझे मेरा हाथ फील नहीं हो रहा। सच में डेव कितने हुए? $32,000। पहले मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन अब लग रहा है नहीं बोलना चाहिए था। इस काली थैली में है $20,000। क्या तुम्हें दाव लगाना है इस $30,000 का, और ट्राई और कर्ल करना है इस 20 पाउंड के डंबल को? और अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें दूंगा एक्स्ट्रा $20,000। हाँ, मैं रिस्क लूंगा। लगाओ दाव और खुल में कितना दाव है। बचाओ इंटेंस म्यूजिक, 20,000 है दाव पर। क्या ये कर सकता है? कितने तैयार है? स्लो जा रहा है। तुमने जीते हैं $20,000। नवा मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं कितने पैसे हैं मेरे पास। ये है रजीना, और तुम्हें पता है तुम इस रूम में क्यों हो? नहीं जानता हूँ, सॉरी तुम्हें इस रूम में लाने के लिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम दोनों नॉर्मल रहोगे 5 सेकंड्स के लिए? मैं तो हिल भी नहीं रहा हूँ। अगर बुरा ना मानो तो ये आंखों पे पट्टी बांधो। अगर तुम्हें याद हो इस रूम में एक बलून है, तो अब मैं तुम्हारे हाथ में ये पिन रख रहा हूँ। ये दोनों इस बलून को रैंडमली कहीं भी रूम में रख देंगे, और इस बलून के अंदर है ब्रांड न्यू कार की कीज। तो अगर तुमने पॉप किया वो बलून बिना उस ब्लाइंड फोल्ड को निकाले अगले 60 सेकंड्स में, तो वो गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। मैं टाइमर शुरू करता हूँ, चलो स्टार्ट करो। वो दीवार है। क्या मैं ये ले सकता हूँ? अब अगर तुम यहाँ देखोगे तो तुम्हें दिखेगी चाबी, उठा लो उसे। अब आओ, कार पीछे खड़ी हुई है, आ जाओ। तो ये रही ब्रांड न्यू कार। कार न्यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये असली है। उड़ के जीत लिया। बलून फोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ वैसे देख रही हूँ कि सच में इतना मजा आ गया। वन और मैं कहूँगा
बेस्ट वीडियोज आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन मिस्टर बीस्ट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ व्यूइंग एक्सपीरियंस. यू कैन फील द वाइब ऑफ द कंटेस्टेंट्स. अगर आप खुद फीलिंग दे, जो वो बंदा उसमें पैसों में ऐसे लेटा हो, मतलब लगता है वो कि इजी है, बट वो इजी नहीं है. वो जितना हल्का डंबल है ना, क्या होता है रेपिटेशन कर रहा आप और एक ही चीज बार बार करते हो, बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है उसमें. वो कितने दिन से कर रहा था ना, कब से. उस भाई ने दिमाग लगाया, ही वेंट टू द शॉप एंड गॉट द मसाज टू रिलैक्स हिज मसल्स, ताकि और रेपिटेशन कर पाए. दिमाग का 100% इस्तेमाल. मिस्टर बीस्ट amazing videos and high budget videos. मुझे वो sweet लगा बहुत कि हार गए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, so एक और chance दिया था उसको. एक और chance, काफी chance दिया. वो painting वाला बहुत funny था. My God, बहुत अच्छी वे. और उसने देखा तो कैसे paint किया था, ऐसे-ऐसे फेंके थे paint उसके ऊपर. बनता है, बनता है. भाई अगर देखो आप हिंदी वाले channel भी subscribe करो ताकि आपको dubbing में मिले. Mr. Beast हिंदी channel से video है, बहुत ही amazing तरीके से dub किया हुआ. और जैसे वो पिकल वाला था, कई लोग को फोबिया होता है कि पिकल से होगा उसको, जैसे इसको अनियन खाने से है, बिल्कुल भी अनियन नहीं खाती है. लेकिन अगर उसमें मान ले अनियन होते और तेरे को दिया जाता है चैलेंज $10 के लिए, तो तू बैठ जाती उसमें? बैठना खाने नहीं होती ना, स्मेल भी आती बहुत भयंकर. और वो सांप वाला तो मेरे को थोड़ा सा अजीब. वो नहीं कर सकते मैम, भले ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है और वो ट्रेंड होते हैं सांप, मतलब उनका जहर वगैरह सब निकाल होता है ना, कि फोबिया से. हां थोड़ा सा एक माइंड में रहता नहीं. जो कॉकरोच वाला था वो मैं कर सकती थी. कॉकरोच तो खिलाती है बचपन से, ऐसे हाथ में रख के ऐसे निकालने थे, वो तो झटक दो. लेकिन बॉडी पे नहीं थे ना, पिछले हफ्ते दो कॉकरोच पकड़े थे, उनकी वो पंजे लड़वा रही थी ऐसे हाथ में रख के. हाँ नाम थे लालू लाली, वो कह रहा लड़ो आपस में. लेकिन कॉकरोच की बिग फैन है. जब काल लाइट मारने से पहले वो चांस देती है, खुद जाओगे या काल लाइट मारू. मजेदार वीडियो थी. और जिस तरीके से एडिटिंग स्किल्स है ना जो वीडियो की, स्पेशली द एडिटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द वीडियोस, अमेजिंग. और हर बार यूनिक होता है. किसी को जैसे डॉलर्स में गिफ्ट मिला, किसी को गाड़ी मिल रही है, किसी को कुछ. एक वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, उसका टाइटल मैंने देखा था कि लंबोगनी अगर चाहिए तो हाथ ही नहीं हटाना गाड़ी से, उस पर भी रिएक्ट करेंगे अगर आप लोग सजेस्ट करोगे. और भैया कोई तो जीतता होगा, देखी नहीं मैंने, मैं थंबनेल देखा था. तो जरूर सजेस्ट करना अगर आप और वीडियो सजेस्ट करें फ्रॉम द चैनल मिस्टर बीस्ट. मजा आता है वीडियोस देखने में, फुल ऑफ पैसा वसूल वीडियोस. पैसा वसूल तो मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको तो पैसा वसूल हो रहा है. हो रहा है, मजा आ गया वीडियोस देख के. हाई बजट होती है लेकिन ये देखना रातों रात किस्मत बदल जाती है लोगों की भी. हाई एफर्ट कंटेंट है प्लस लोगों की किस्मत बदल जाती है. मजा आया यार सच में. आप लोगों को कैसे लगी वीडियो जरूर बताना. बाकी और वीडियो सेस कर सकते हो मिस्टर बीस्ट इंग्लिश चैनल से भी या मिस्टर बीस्ट हिंदी चैनल से, इट्स टोटली अप टू यू. बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी. टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर.